गजाननं भूतिगणादिशीवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुर्वे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री ब्रशवान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते है सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की सदा करो कल्याण। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए, अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं। गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक महात्म की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने पूछा, भगवान जब जलंधर के महल में जाकर के भगवान लक्ष्मी नारायण विराजमान हो गए, सभी देवता वहां पर रहने लगे, आगे आपने क्या किया? नारद जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए मैं जलंधर के महलों में गया और जलंधर में महल में पहुंचा, जाकर के मैंने लक्ष्मी नारायण को प्रणाम किया, जलंधर ने मेरी पूजा करी क्योंकि मैं देवताओं का भेजा हुआ आया था। जलंधर ने मेरी पूजा करके कहा कि हे मुनिवर, मेरा जीवन धन हो गया आपके दर्शन से, आपके दर से आ रहे हैं, आपने क्या देखा है? संसार में सब ठीक से चल रहा है, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो कृपा करके आदेश दें। नारद जी कहने लगे, हे देवेंद्र, हम इस समय कैलाश पर्वत से भ्रमण करके आ रहे हैं, वह मैंने शिव पार्वती को देखा। कैलाश पर्वत पर सैकड़ों कल्प वृक्ष कामनाओं को व्याप्त करने वाले मणियों से प्रकाशित 40,000 योजन के बीच में कैलाश पर्वत फैला है। उसे देख करके मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी रिद्धि और सिद्धि नहीं होगी। परंतु जब तुम्हारी समृद्धि याद आई, तुम्हारी समृद्धि देखने के लिए तुम्हारे महलों में चलाया हूँ। हे राजन, तुम्हारी समृद्धि भगवान शिव जी की समृद्धि से बढ़कर के है, परंतु एक रत्न ऐसा है जो तुमसे बढ़कर के शिव जी के पास है, वह है स्त्री रत्न। इसलिए शंका जी से ज्यादा समृद्धिवान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि नारद जी जानते थे कि जब तक जलंधर पाप नहीं करेगा तब तक जो है देवताओं को दान नहीं होगा, तब तक शिव जी उसका वध नहीं करेंगे। कहा कि जलंधर का तो रोग रहित कामदेव की शत्रु जटाजूट मांदे, विष जिनके तंत्र में, आत्मा जिनके वश में है, ऐसे भगवान शिव और तुम्हारे घर में ऐसी कोई भी समृद्धि नहीं जो पार्वती के समान हो। ऐसे शिव जी के पास में ऐसी पार्वती जिनकी सुंदरता देख करके ब्रह्मा भी मोहित हो गए, ऐसी पार्वती की जो है शिव जी के पास रहना ठीक नहीं है। अरे जलंधर, तुम जो है इसी बात से केवल स्त्री रत्न की कमी से, वृंदा तुम्हारी सुंदर है परंतु पार्वती के बराबर नहीं है, इसलिए तुम शिव जी की बराबरी नहीं कर सकते। पार्वती के रूप को देख करके ब्रह्मा ने कई अवसराएं पैदा करी, परंतु एक भी पार्वती के समान सुंदर नहीं हुई।
इन जैसी पार्वती जैसी स्त्री रत्न भोगने के लिए कहां शिव जी और कहां तुम। नारद जी इस प्रकार से जलंधर को सुनाकर के चले गए। अतो जलंधर के मन में काम का बीज अर्पण कर दिया। नारद जी की बातों में आकर के कौन नहीं फंस जाता, कौन भ्रमित नहीं हो सकता। अतो जलंधर ने जैसे ही सुना, अब जलंधर कामदेव से पीड़ित हो गया, विष्णु की माया से मोहित होकर के जलंधर ने राव को बुलाकर के शंकर जी के पास भेजा। राव जो है उसी समय कैलाश पर्वत पर गया, वहां नंदी ने रोका, परंतु राव ने कहा कि हमको जलंधर ने दूत बना के भेजा है, भगवान शिव जी ने आदेश आने की आज्ञा दी। राव ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रसाद ध्वज, मुझे जलंधर ने भेजा है, कहा त्रिलोक के स्वामी जलंधर उनका हुक्म सुनो, कहा तुम शमशानवासी हड्डियों की माला पहनने वाले, तुम्हारे पास में सुंदर स्त्री पार्वती कैसी है। पार्वती एक रत्न है, तुम्हारी औरत होने के लायक नहीं है, तुम दिगंबर धूल जटाए जटा रखाए योग में रत रहते हो, सभी रत्नों का मालिक मैं हूँ, तुम्हारी स्त्री पार्वती भी एक रत्न है, उसके हम ही योग हैं, तुम जैसे भिक्षुक के योग नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन ऐसे राव ने जो है जलंधर का आदेश सुनाया, उसी समय भगवान शिव जी को क्रोध आया और भगवान शिव जी की क्रोध के कारण उनके भौं के मध्य से एक वज्र पुरुष पैदा हुआ, जो सिंह के समान मुख, जिब्या जलती हुई, नेत्रों से अग्नि, खड़े बाल, सफेद देह, मानो दूसरा नरसिंह हो। ऐसा पुरुष जो है भगवान शिव जी के क्रोध के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो पुरुष उत्पन्न होते ही राव को खाने के लिए दौड़ा, राव भागा, उस भद्र पुरुष ने राव को पकड़ लिया। तब राव कहने लगा, हे महादेव, मुझे खाने के लिए आया हुआ है, इससे मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं तो दूत हूं, मैं दूसरे के आधीन हूं। तब महादेव ने उस पुरुष को रोक करके उसे कहा कि तुम इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। उस भद्र पुरुष ने राव को आकाश में फेंका और राव को फेंक करके बोला कि स्वामी मैं बहुत भूखा हूं, भूख मुझे तंग कर रही है, अब मैं क्या खाऊं। शंकर भगवान ने कहा, जल्दी से तुम अपने हाथ पैरों का मांस खा जाओ। शिव जी ने जैसे ही कहा, वो अपने हाथ पैरों के मांस को खा गया। फिर कहा कि मुझे भूख लगी है, भगवान शिव जी ने कहा धड़ को खा जाओ, उसने धड़ को भी खा लिया। तब केवल श्री सिर बचा। तब शंकर भगवान ने कहा कि तूने मेरे आदेश से अपने शरीर को कष्ट दिया, अपने शरीर को भी खा गया, इसलिए आज से तेरा मुख कीर्ति मुख होगा, हमारे द्वार पर लो, हमारे द्वार पर विराजमान रहो, जो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उनको हम प्रेम नहीं करेंगे, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख है। कार्तिक के महीने में जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव जी के देरी पर, जहाँ शिव मंदिर पर देरी बनी होती है, उसे अवश्य पूजना चाहिए, थोड़ा सा जल उस पर अवश्य गिराना चाहिए। इसलिए शंकर जी की पूजा के साथ अगर ये पूजा नहीं करते हैं तो पूजा मिथ्या हो जाती है। इधर उस भद्र पुरुष के द्वारा फेंका हुआ राहु बरबर नाम के क्षेत्र में गिरा, इसलिए उस क्षेत्र का नाम बरबर पर गया। राहु ने अपने जन्म को दूसरा जन्म माना और जलंधर के पास पहुंचा। इधर जो है जलंधर ने राव की दशा देखी, उसी समय करोड़ों राक्षसों को लेकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, भगवान शिव जी से युद्ध करने के लिए चल दिया। सामने सामने शुक्राचार्य चल रहे हैं, राहु भी चल रहा है, चलते समय जलंधर को ठोकर लगी, जमीन पर मुकुट गिर पड़ा, अब शकुन होने लगे। बहुत से दैत्यों को लेकर के युद्ध करने गया, जलंधर की ऐसी राक्षसों की चढ़ाई देख करके इंद्रादिक देवताओं ने छिप करके शंकर भगवान को जाकर के सूचना दी कि प्रभु जलंधर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है, हमारी रक्षा करो, जलंधर को मारो। तब देवों के देव महादेव ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान विष्णु प्रगट हुए। महादेव जी कहने लगे, हे विष्णु, जलंधर को तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा, उल्टा
अपना बैकुंठ छोड़कर के उसके घर में जाकर के क्यों रह रहे हो। ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे शिव जी, तुम्हारे अंश से उत्पन्न है, लक्ष्मी का भाई है, इसलिए हमने नहीं मारा, इसको आप ही मारो। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे विष्णु, मेरे इस अस्त्र से, त्रिशूल से जलंधर का वध नहीं हो सकता, इसलिए मुझे कोई अस्त्र चाहिए। तब सभी देवताओं ने उसी समय पर भगवान विष्णु का आदेश मान करके अपना अपना तेज स्थापित किया। भगवान विष्णु ने भी अपना तेज निकाला। जिस तरह से माता शक्ति प्रकट हुई थी, उसी तरह से सभी देवताओं का तेज मिलकर के एक सुदर्शन चक्र का निर्माण किया गया, जो ज्वालामुखी के समान सुदर्शन चक्र था, जिसे बाद में शिव जी से भगवान विष्णु ने ग्रहण किया था। इस तरह से कैलाश पर्वत पर सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान शिव जी जो है भूत प्रेत पिशाचों को तैयार करके युद्ध करने के लिए चल दिए। जलंधर का और भगवान शिव जी के गणों का भयंकर युद्ध होने लगा। नंदी बृंगी कात के सभी जो है क्रोध से देवताओं के साथ मिलकर के जलंधर के राक्षसों से युद्ध करने लगे। शिव जी के गणों का दैत्यों का भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में डोले शंख मृदंगों से, रथों से, घोड़े से, हाथियों से पूरी पृथ्वी जो है कांप रही थी। शक्ति तोमर बाण मूसल फरसा इन हथियारों से पूरा आकाश मंडल भर गया। असंख्य राक्षस थे और असंख्य शिवगण थे, सभी का भयंकर युद्ध हो रहा था। चारों तरफ मारो मारो की आवाज ही सुनाई दे रही थी। इधर जो है भगवान शिव जी के गणों के द्वारा मारे हुए राक्षसों से पृथ्वी पर खून की नदियां बहने लगी। इधर जो भी राक्षस मारे जाते थे, उन्हें शुक्राचार्य जी मित्र संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर देते थे। यह देख करके सभी भूतगणों ने जाकर शिव जी से कहा। तब शिव जी भगवान ने एक भयंकर कृत्या उत्पन्न करी, जो कृत्या जो है शुक्राचार्य को अपनी योनि में डालकर के अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य को ना देख करके सभी दैत्य भयभीत हो गए। शिवगणों के द्वारा दैत्यों का नाश होने लगा। शिवगणों के द्वारा फिर दैत्यों की सेना बाजने लगी। तब जलंधर ने क्रोधित होकर के कहा, अरे दैत्यो, तुम भागो मत, युद्ध करो। निशुंभ पराक्रमी काल ने ये सभी युद्ध के लिए आगे बढ़े। तीनों ने घनघोर वर्षा करी। उस समय दैत्यों के बाणों से आकाश मंडल पूरा व्याप्त हो गया। तब भगवान शिव जी के गण भागने लगे। तो उस समय पर स्वामी कात्के ने जाकर के काल नेम को रोका और नंदी गणेश ने भी दैत्यों की फौज को रोका। भगवान श्री शंकर जी जो है अपने नंदी पर सवार होकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। इधर जो है काल नेम नंदी के शुंभ गणेश से निशुंभ स्वामी कात्के के साथ में युद्ध करने लगा। काल नेम शुंभ ये दोनों गणेश जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। गणेश जी ने जो है इनको अपने बाणों से मूर्छित कर दिया। उधर वीरभद्र आया। वीरभद्र के साथ में डाकनी, सांकनी, पिशाचनी, योगनी ये सभी युद्ध करने के लिए आई। किलकिलाट घुरघुराहट से डमरू के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। तब भूत प्रेत सभी नाचते गाते दानवों को खाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। निशुंभ ने स्वामी कात्के के मूर को 5 बार मारे। तब स्वामी कात्के ने अपनी शक्ति लेकर के निशुंभ पर चला दी, जिससे निशुंभ मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। नंदी ने कालनेम के घोड़ों को 7 बाणों से मारा। एक बाण से साथी को मार दिया। कालनेम का धनुष काट दिया। कालनेम की छाती में त्रिशूल मारा, जिससे जो है कालनेम भी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय गणेश ने शुंभ को नंदी कात के सभी अपने बाणों से दैत्यों को मारने लगे। गणेश ने एक ही बाण से शुंभ उसके साथी को मार गिराया। शुंभ मूर्छित हो गया था। मूर्छित होकर के उसका साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। इधर जो है देवता और इस तरह से गणों का मिलकर के राक्षसों का नाश करना प्रारंभ करा। कात्के ने और नंदी ने
और वीरभद्र ने कष्ट होकर के राक्षसों का संगार प्रारंभ किया। वीरभद्र ने जलंधर के घोड़ों को गिरा करके धनुष काट डाला। दैत्य ने परिघ लेकर के वीरभद्र के मस्तक पर मारा। वीरभद्र जो है मूर्छित हो गए। वीरभद्र को मूर्छित देख करके महादेव के घर रण छोड़ करके शंकर भगवान के पास पहुंच गए। महादेव जी गणों का ऐसा शब्द सुन करके उसी समय हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। भगवान शिव जी को आया देख करके सभी रुद्रगण वापिस आ गए। दैत्यों को भयंकर युद्ध करने लगे। रण में भागते दैत्यों को देख करके क्रोध करके हजारों बाणों से जलंधर महादेव की तरफ दौड़ा। शिव जी ने दैत्यों का अपने बाणों से वध कर दिया। भगवान शिव जी के द्वारा सभी दैत्यों का वध होने लगा। खंगरोमा का सिर खट्टांग से बलाक के सिर के दो टुकड़े कर दिए। गस्मर को पास में बांध लिया। जब दानव लोग उस समय डर कर के भाग रहे थे तब जलंधर ने क्रोध करके भगवान शिव जी के ऊपर जो है बाण चलाए। तब शंकर भगवान ने सात बाणों से जलंधर के सातों घोड़ों को मार गिराया। जलंधर ने मेघ के समान गर्जना करके कहा, कह जटाधर मेरे लोगों को मारने से क्या होगा, मेरी सातवीं युद्ध दिखाओ। ऐसा कहके जलंधर ने 70 बाण शिव जी को मारे। भगवान शिव जी ने उन सबको काट डाला। उस समय उस राक्षस ने देखा कि इस समय शिव जी ज्यादा बलवान है। उसने अपनी असुरी माया रची, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। उस समय मेणी मृदंग ये सभी बाजे बजने लगे। भगवान शिव जी जो है शिव जी भगवान के सामने अपनी माया का प्रयोग किया। भगवान शिव जी स्वयं लीला करने के लिए उस माया से मोहित हो गए, स्तंभ होकर के देखने लगे। इधर जलंधर जो है भगवान शिव जी को युद्ध में छोड़ करके स्वयं शिव जी का वेश बना करके कैलाश पर्वत पर गया। इधर पार्वती ने भगवान शिव जी को आते हुए देखा। जैसे ही आते की थाली लेकर के स्वागत के लिए आई तो जलंधर जो है पार्वती जी के रूप को देख करके स्तंभ हो गया। तब माता पार्वती जी समझ गईं, ये तो राक्षस है, शिव जी नहीं है। उसी समय पार्वती जी गुफा में चली गईं। जलंधर वापस युद्ध भूमि में लौट आया। पार्वती जी ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता पार्वती ने कहा कि हे हरि, आप नहीं जानते जलंधर ने मेरे साथ क्या किया है। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, इस समय जलंधर ने जो किया अच्छा किया, क्योंकि इससे जो है जलंधर की मृत्यु का रास्ता मिल गया। अगर जलंधर ऐसा नहीं करता तो हमें भी पाप करने में इस समय पर संसार में अपराधी बनना पड़ता, परंतु जलंधर ने स्वयं कदम बढ़ाया है, इसलिए हम भी इसके साथ ऐसा ही करेंगे। इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट करके तभी इसकी मृत्यु हो सकती है। इधर जलंधर युद्ध भूमि में आया। भगवान विष्णु ने जाकर के इस माया को दूर किया, क्योंकि मायापति भगवान विष्णु है। भगवान शिव जी से कहा, ये सब जलंधर की माया है। भगवान शिव जी से इस प्रकार से कहकर के भगवान विष्णु जो है उसी समय पर जलंधर की नगरी को चले गए। इधर जलंधर ने जो है अपनी अनेक तरह की माया की रचना करनी प्रारंभ कर दी। इधर भगवान शिव जी का जलंधर का भयंकर युद्ध होने लगा। इधर भगवान विष्णु जो है जलंधर के नाश का विचार करने लगे कि किस तरह से जलंधर का नाश किया जाए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम कर रहे हैं। आगे की कथा जलंधर वध तुलसी उत्पत्ति कल की कथा हम वर्णन करेंगे। कथा सदा होती रहे सुनऊ बीरे अनुमान, राम लखन सिय जान की सदा करो कल्याण। सिया पते राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधेश। भक्तों, आज के दिन आपको जो है कलीदा नहीं खाना है, तरबूज आज वो नहीं खाना है, और कल जो है आपको आंवला नहीं खाने। कल आंवला नहीं खाना, आज कलीदा नहीं खाना। आप सभी के ऊपर भगवान श्री नारायण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।